हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी स्टोरी एक ऐसे कैट के बारे में है जो अपने मालिक से बिछड़कर एक दूसरी सिटी में पहुंच जाती है और वहां उसका सामना एक ऐसे दोस्त से होता है जो उसे लाइफ जीने का एक नया तरीका सिखाता है। तो मूवी के शुरू में हम रुडोल्फ नाम के कैट को देखते हैं जो जापान के सिफू सिटी में रहता है और उसकी मालिक है रे नाम की एक लड़की। रे रुडोल्फ को बहुत प्यार करती है और घर में उसके कम्फर्ट की हर चीज मौजूद है। रे की मॉम उसे बताती है कि इस बार उनके पेड़ पर बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज लगी हैं और वो इनमें से कुछ उसकी दादी को भेजना चाहती है। रे बैग लेकर वहाँ के लिए निकलने लगती है और देखती है कि रुडोल्फ भी उसके साथ आना चाहता है, लेकिन वो उसे घर पर ही रहने को बोलकर निकल जाती है। रुडोल्फ भी बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करना चाहता था, लेकिन गेट बंद होने के कारण वो रे के पीछे नहीं जा पाता। एक दूसरी कैट उसे वार्न करती है कि बाहर जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन रुडोल्फ उसकी एक नहीं सुनता और एक पेड़ की मदद से छत पर चढ़ जाता है। वहाँ वो एक पहाड़ और उस पर चलती कुछ केबल कार्स को देखता है और सोचता है कि बाहर की दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत है। तभी उसकी नजर गेट पर पड़ती है जिसे रे की मॉम शायद खुला छोड़ गई थी और वो इसका फायदा उठाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। थोड़ी दूर पर उसे रे नजर आती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाए एक साइकिल से टकराकर वो एक फिश बॉक्स में गिर जाता है। शॉप के मालिक को लगता है कि वो शायद उसकी मछलियां चुराने आया है और उससे बचने के लिए रुडोल्फ एक ट्रक की ओर छलांग लगाता है। तभी शॉप के मालिक की फेंकी हुई झाड़ू उसे आकर लगती है और इससे वो बेहोश हो जाता है। आग खुलने पर वो देखता है कि ट्रक उसे सिटी से बहुत दूर ले आया है और थोड़ी ही देर में वो ट्रक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। रुडोल्फ वहाँ से निकलकर भागने लगता है और देखता है कि यहाँ तो हर तरफ बहुत भीड़ है। तभी एक आवाज उससे पूछती है कि लगता है तुम एक स्ट्रे कैट हो जो इस सिटी में पहली बार आए हो, और रुडोल्फ देखता है कि सामने एक बड़ा सा टॉम कैट खड़ा हुआ है। वो कैट रुडोल्फ से उसकी फिश मांगता है वरना उसके लिए बहुत बुरा होगा, और ये सुनकर रुडोल्फ डर जाता है। पता चलता है कि वो कैट तो बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था और उसकी फिश उसे वापस करके वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रुडोल्फ का एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन वो कैट टाइम पर आकर उसे बचा लेता है और पूछता है कि आखिर तुम्हें किस बात की जल्दी है। रुडोल्फ उसे अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वो अपने मालिक से बिछड़ गया है और साथ ही उस कैट से उसका नाम पूछता है। इस पर कैट उसे बताता है, वैसे तो मेरा नाम गोटा लोट है, लेकिन लोग मुझे टाइगर के नाम से जानते हैं। फिर वो रुडोल्फ को अपने साथ एक टेंपल में लेकर आता है जहां उसने अपना ठिकाना बनाया हुआ है और बताता है कि ये जापान का टोक्यो शहर है जो तुम्हारी सिटी सिफू से बहुत दूर है और तुम्हें वापस जाने के बारे में भूल जाना चाहिए। रुडोल्फ ये सुनकर उदास हो जाता है कि अब भला वो अपने घर वापस कैसे जा पाएगा, और ये देखकर टाइगर उसे अपने साथ टेंपल में ही रख लेता है। अगली सुबह वो उसे लेकर सिटी में जाता है और पता चलता है कि बाकी कैट्स उससे बहुत डरती हैं। फिर वो लोग एक कैफे के बाहर आते हैं जहाँ के वर्कर टाइगर को अच्छे से जानते थे और वो उन्हें ढेर सारा खाना देते हैं। इसी तरह वो एक एक करके कुछ और जगह भी जाते हैं और रुडोल्फ नोटिस करता है कि हर कोई टाइगर को अलग अलग नाम से बुला रहा है। वो उससे इसका रीजन पूछता है, जिस पर टाइगर कहता है कि हर किसी से मेरा एक अलग रिलेशन है और प्यार से वो जो नाम मुझे देते हैं मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो बस पेट भरने से मतलब है। तब रुडोल्फ कहता है कि तुम इंसानों को बहुत अच्छे से जानते हो और ऐसा लगता है जैसे तुम भी कभी एक पालतू कैट थे। ये बात टाइगर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो रुडोल्फ को वहीं छोड़कर चला जाता है। आगे रुडोल्फ की मुलाकात बक नाम के एक और बिल्ले से होती है जो काफी देर से उसे फॉलो कर रहा था, और वो उसे वार्न करता है कि तुम्हें टाइगर से सावधान रहना चाहिए क्योंकि उसके मूड का कोई भरोसा नहीं है। यही वो उसे डेविल नाम के एक डॉग के बारे में भी बताता है जो टाइगर का पुराना दुश्मन है, और माना जाता है कि इससे खतरनाक डॉग पूरी सिटी में नहीं है। रुडोल्फ को अभी भी लगता है कि टाइगर तो एकदम शांत और अच्छे नेचर वाला है, और तब बक उसे एक स्टोरी सुनाता है कि कैसे एक डोबरमैन ने सिटी में आतंक मचा रखा था और इससे कैट्स का जीना मुश्किल हो गया था, लेकिन टाइगर ने अकेले ही उससे पंगा ले लिया और उस डोबरमैन की बहुत पिटाई की। उसने उसका एक कान भी काट डाला और धमकी दी कि अगर वो फिर से यहाँ दिखाई दिया तो वो उसका दूसरा कान भी काट डालेगा। बक उसे ये भी बताता है कि टाइगर भी पहले एक पालतू कैट था, और ये सुनकर रुडोल्फ को बहुत खुशी होती है कि उसने टाइगर के बारे में सही सोचा था। आगे हम उसे वापस टेंपल में आते हुए देखते हैं जहाँ वो टाइगर से उसकी फाइट के बारे में पूछता है।
टाइगर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि रुडोल्फ इन सब बातों को मजाक में ले रहा है और वो उसे समझाता है कि एक स्ट्रे कैट को सरवाइव करने में बहुत मुश्किल आती है और तुम जैसी पालतू कैट ये कभी नहीं समझ सकती। तब रुडोल्फ उसे बताता है कि बक ने मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी है कि कैसे तुम भी एक टाइम पर एक पालतू कैट थे, और ये सुनकर टाइगर उसे अपने साथ चलने को कहता है और उसे अपने मालिक का पुराना घर दिखाता है जो डेविल के घर के बगल में ही बना हुआ है। पता चलता है कि उसका मालिक अब अमेरिका शिफ्ट हो गया है, लेकिन जाने से पहले वो उसे इंसानों की भाषा को पढ़ना सिखाना चाहता था ताकि वो अकेले भी यहाँ सरवाइव कर सके। इसके लिए उसने बहुत मेहनत की और जल्दी ही वो इंसानों की लैंग्वेज को पढ़ना सीख गया। रुडोल्फ उससे इसके फायदे के बारे में पूछता है और टाइगर बताता है कि वैसे तो इसके बहुत से फायदे हैं, लेकिन सबसे अच्छा है इंसानों के मेन्यू को पढ़ पाना, जिसे पता चल जाता है कि आज कहाँ कौन सी डिश बनने वाली है। वहाँ से निकलते हुए उनका सामना डेविल से होता है जो टाइगर का मजाक उड़ाने लगता है कि शायद तुम यहाँ खाना ढूंढने आए हो और चाहो तो मेरा बचा कुचा खाना खा सकते हो। टाइगर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रुडोल्फ को भी डेविल की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन टाइगर उसे बताता है कि एक टाइम पर हम दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब वो मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। आगे वो रुडोल्फ और बक के साथ एक क्लासरूम में जाता है जहाँ वो एनिमल से रिलेटेड एक बुक को देखते हैं और टाइगर उन्हें उस बुक को पढ़कर दिखाता है। वो आंखें बंद करके उन्हें इमेजिन करने को कहता है और देखते ही देखते वो एनिमल्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां टाइगर एक एक करके उन्हें सभी एनिमल्स के बारे में बताता है। रुडोल्फ उसे ये स्किल खुद को भी सिखाने को बोलता है और टाइगर उससे प्रॉमिस लेता है कि वो इसे बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। उस दिन से वो रुडोल्फ को सिखाना शुरू कर देता है और दिखाता है कि कैसे उसने एक टीचर को अपना दोस्त बनाया हुआ है जिसके थ्रू वो स्कूल की लाइब्रेरी तक जा सकता है। ऐसे ही एक दिन रुडोल्फ की नज़र लाइब्रेरी में चल रहे टीवी पर जाती है जहां उसे अपनी सिटी का पहाड़ और वो केबल्स कार दिखाई देती है और वो टाइगर को बताता है कि मेरी ओनर इसी सिटी में रहती है। टाइगर देखता है कि ये तो जीफू सिटी के बारे में है और वो एक ग्लोब पर रुडोल्फ को उसकी लोकेशन दिखाता है। रुडोल्फ को डिस्टेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी और उसे लगा कि जीफू सिटी तो इस जगह से बहुत करीब है, लेकिन टाइगर उसे समझाता है कि ये तो बस एक नक्शा है और असल में तो इसके लिए तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना होगा जो एक कैट के लिए इम्पोसिबल है। लेकिन रुडोल्फ उसकी एक नहीं सुनता और उसकी और बक के मना करने के बावजूद भागकर सामने खड़े एक ट्रक में चढ़ जाता है। टाइगर देखता है कि ये तो एक फ्रीजर ट्रक है और वो बक को लेकर उसे बचाने निकल पड़ता है। किस्मत से वो ट्रक थोड़ी दूर जाकर एक जगह रुक जाता है और टाइगर देखता है कि रुडोल्फ अंदर जमा पड़ा है। वो किसी तरह उसे वहाँ से बाहर निकाल लाते हैं और टाइगर बर्फ तोड़कर उसे आजाद करता है। उसे रुडोल्फ पर बहुत गुस्सा आता है कि ये जल्दबाजी तुम्हारी एक दिन जान लेकर रहेगी, और रुडोल्फ को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसी तरह काफी टाइम बीत जाता है और एक दिन उन्हें जीफू जाने वाली बस का एक पोस्टर मिलता है। वो सब लोग उस पोस्टर वाले एड्रेस पर जाते हैं जहां पता चलता है कि बस यहां से कल सुबह निकलने वाली है। बक को लगता है कि आज उन्हें एक फेयरवेल पार्टी करनी चाहिए और वो रुडोल्फ से उसकी फेवरेट डिश के बारे में पूछता है। रुडोल्फ उससे मीट खाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बक कहता है कि उसका इंतजाम करना तो बहुत मुश्किल है। तभी वो टाइगर को कहीं जाते हुए देखते हैं जो कहता है कि मैं फेवर वाली पार्टी से पहले वापस आ जाऊंगा। शाम को रुडोल्फ को वो कहीं नजर नहीं आता और तभी बक उसे बताता है कि टाइगर अपने पुराने घर में घायल पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी और डेविल के बीच लड़ाई हो गई थी। रुडोल्फ तुरंत उसे चेक करने जाता है और वो देखते हैं कि उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है। उन्हें समझ नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और तभी रुडोल्फ को एक आइडिया आता है। वो भागकर टाइगर के दोस्त टीचर के घर जाता है और लिखकर उसे बताता है कि टाइगर की जान खतरे में है। टीचर तुरंत टाइगर को लेकर एक क्लिनिक में आता है और यहाँ बक से पता चलता है कि टाइगर डेविल से थोड़ा मीट मांगने गया था ताकि वो रुडोल्फ की विश को पूरा कर सके, लेकिन डेविल ने इसका गलत फायदा उठाया। उसने पहले तो टाइगर की बहुत इंसल्ट की और फिर अचानक उस पर अटैक कर दिया। रुडोल्फ को ये सुनकर बहुत दुख होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब शायद उसी के कारण हुआ है। तभी टीचर आकर उन्हें बताता है कि टाइगर की जान बच गई है, लेकिन 2 हफ्ते के लिए उसे रेस्ट करना होगा। वो उसे और रुडोल्फ को अपने घर ले आता है जहां टाइगर कहता है कि मैं तो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें वो सफर अकेले ही तय करना होगा। रुडोल्फ भी अपनी केयर करने के लिए उसका थैंक्स बोलता है और तभी बक उन्हें बताता है कि बस अपनी लोकेशन पर पहुंचने वाली है।
वो दोनों एक दूसरे से अलविदा लेते हैं। लेकिन रुडोल्फ बाहर आकर कहता है कि पहले मैं उस डेविल नाम के मॉन्स्टर को सबक सिखाना चाहता हूँ। वो डेविल के पास आकर उसे चैलेंज करता है और कहता है कि मैं यहाँ टाइगर का बदला लेने आया हूँ। डेविल गुस्से में उस पर अटैक कर देता है और ऐसा लगता है जैसे रुडोल्फ ने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। लेकिन डेविल उसके साइज और फ्लेक्सिबिलिटी का मुकाबला नहीं कर पाता और भागते हुए एक पूल में जा गिरता है। वो देखते हैं कि डेविल को तैरना बिल्कुल नहीं आता और उसे बचाने से पहले वो प्रॉमिस लेते हैं कि आगे से वो किसी को बुली नहीं करेगा। फिर वो एक स्टिक पकड़कर उसकी हेल्प करते हैं और रुडोल्फ उसे वॉर्न करता है कि अगर अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हारे कान काट डालूंगा। रुडोल्फ वापस टाइगर के पास आता है और कहता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसी तरह कुछ और टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि टाइगर भी अब पहले से बेहतर हो गया है। फिर एक दिन बक आकर उन्हें बताता है कि टाइगर के मालिक के घर की जगह एक नया घर बन रहा है और वो लोग उसे चेक करने जाते हैं। यहाँ रुडोल्फ एक बार फिर डेविल से मिलता है जो अपने बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा है और उसे बताता है कि टाइगर हमेशा अपना खाना मेरे साथ शेयर किया करता था लेकिन मैंने उसकी दोस्ती की कभी कदर नहीं की और मुझे इस बात का बहुत पछतावा है। वो रुडोल्फ को अपना कुछ स्पेशल खाना देता है और कहता है कि ये तुम जाकर टाइगर को दे देना और कहना कि डेविल उसे माफी मांगना चाहता है। रुडोल्फ भी ऐसा ही करता है और टाइगर भी उसकी बात मान जाता है। फिर वो उसे एक शॉप तक लेकर जाता है और बताता है कि यहाँ से एक गाड़ी हाईवे तक जाने वाली है और तुम उसकी मदद से अपने घर जा सकते हो। रुडोल्फ ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है लेकिन टाइगर कहता है कि मैंने तुम्हें लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाया है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। आगे वो उसे गाड़ियों के नंबर प्लेट पढ़ना सिखाता है ताकि वो जान सके कि कौन सी गाड़ी किस सिटी की है और उसी हिसाब से उन्हें चेंज कर सके। उस रात वो डेविल के यहाँ एक पार्टी करते हैं जहाँ टाइगर सबको बताता है कि वो भी अपने मालिक के पीछे अमेरिका जा रहा है और ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं। टाइगर कहता है कि मालिक ने ये घर बेच दिया है जिसका मतलब वो कभी वापस नहीं आएगा और वैसे भी मैं अपनी लाइफ को एक मकसद देना चाहता हूँ। डेविल को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि वो एक बार फिर अपने दोस्त को नहीं खोना चाहता लेकिन टाइगर की खुशी के लिए वो मान जाता है। अगले दिन रुडोल्फ अपनी जर्नी शुरू करता है और हम देखते हैं कि नंबर प्लेट पढ़ने से उसे बहुत हेल्प मिल रही है। फिर अचानक उसकी एक गाड़ी पंक्चर हो जाती है जिससे उसे आगे का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है और जल्दी ही उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। तभी उसे टाइगर की कही बात याद आती है कि वो बीच में हार नहीं मान सकता और ये सोचकर वो एक बार फिर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे वो पहाड़ और वो केबल कार नजर आती हैं और वो समझ जाता है कि वो अपनी सिटी में आ पहुंचा है। वहाँ से भागता हुआ वो सीधा अपने घर आता है लेकिन देखता है कि वहाँ तो उसके जैसी ही एक और कैट है। पता चलता है कि उस कैट का नाम भी रुडोल्फ है जिसे रे एक साल पहले ही लाई है और वो असल में रुडोल्फ का ही छोटा भाई है। उसका भाई बताता है कि कैसे रे की फैमिली बस एक ही कैट अफोर्ड कर सकती है और ये सुनकर रुडोल्फ को बहुत दुख होता है। फिर वो वहाँ से जाने का प्लान करता है और अपने भाई से कहता है कि अब तुम इस लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। आगे हम उसे वापस टोक्यो की ओर जाते हुए देखते हैं क्योंकि उसे भी अपनी लाइफ का मकसद मिल चुका था और जल्दी ही वो टेम्पल तक पहुँच जाता है। वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता और उसे लगता है कि टाइगर शायद अमेरिका चला गया है। ये सोचकर वो उदास हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि टाइगर और बक वहाँ उससे मिलने आए हैं। रुडोल्फ उसे देखकर बहुत खुश होता है और बताता है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और ये कहकर वो रोने लगता है। आगे टाइगर उसे बताता है कि मैं तो अमेरिका जाने ही वाला था लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरा मालिक सिटी में वापस आ गया है और ये घर भी उसने अपने लिए ही बनवाया है। टाइगर का मालिक भी उसके दोस्तों को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है और रात को उनके लिए एक पार्टी अरेंज करता है। यही वो लोग डेविल को भी देखते हैं जिसने अब तैरना सीख लिया है और ये देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है। टाइगर रुडोल्फ से कहता है कि स्ट्रे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अच्छे दोस्तों का साथ होना चाहिए। और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।